हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बोट रॉकस 255 और डीजो वायरलेस, दोस्तों ये दोनों दोस्तों एक ही रेंज में आते हैं, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा कौन सा आपको लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो दोस्तों शुरुआत से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोनों इसके बॉक्सेस हैं। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, 999 में मिला है, 1000 रुपये में। और डीजो वायरलेस दोस्तों थोड़ी देर पहले लॉन्च हुआ था और मतलब हो गया टाइम इसको, ये आपको मिलेगा 1100 रुपये में। अभी दोस्तों दोनों के फीचर्स और प्राइस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या किस में फीचर्स हैं। अब बोट रॉकस 255 न्यू में ब्लूटूथ 5.2 है, ASAP चार्ज है, 25 आवर्स का प्लेबैक टाइम है, 12 mm के ड्राइवर्स है, IP67 की वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग है और इंस्टेंट वॉइस रेजिस्टेंट है, 10 मिनट चार्ज इक्वल टू 12 आवर्स प्लेबैक। अभी दोस्तों डीजो के देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं इसी प्राइस में। 11.2 mm के लार्ज ड्राइवर है, 17 आवर्स का प्लेबैक है, मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन है जो कि इसमें भी दोस्तों है, डुअल पेयरिंग भी है इसमें बोट के इसमें, 88 ms की लो लेटेंसी है। वहीं दोस्तों इसमें आपको गेमिंग बीस्ट मोड अलग से मिलेगा, 10 मिनट चार्ज इक्वल टू 120 मिनट्स प्लेबैक। इसमें दोस्तों 10 मिनट इक्वल टू 10 आवर्स प्लेबैक था, तो दोस्तों इस मामले में ये भी ज़्यादा है। IPX4 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है इसमें, IP67 वाटर रेजिस्टेंट है। तो दोस्तों ओवरऑल दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसमें प्ले आपको जो प्लेबैक टाइम है मतलब बैटरी टाइम है कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। इसके जो ड्राइवर्स हैं वो 12 mm के हैं, इसमें 11.2 mm के हैं। अब मैं दोस्तों आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ दोनों की, तो आप खुद भी डिफरेंस जान जाएंगे। ये देखिए, ये है डीजो का, इसका बिल्ड क्वालिटी आप देखिए इस तरीके का, इसमें बटन्स दे रखे हैं और काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों। अब मैं आपको बोट का दिखाता हूँ, बोट में दोस्तों ईयर हुक्स भी दे रखे हैं अलग से, और इसमें ये देखिए बोट की ब्रांडिंग है, और ये इसके इधर पावर बटन है, मल्टी फंक्शन बटन। तो दोस्तों लुक वाइज मैं अगर दोनों को उठा के देखूँ तो आपको बोट का ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन लगेगा। मैं आपको दूर से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका ये मोटा आपको सिलिकॉन बेस दिखेगा, ये बहुत पतला सा है, तो मटेरियल वाइज थोड़ी दोस्तों इसमें कंजूसी लगती है डीजो की टाइप में। यही अगर बोट ने देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी यूज़ करी है, तो दोस्तों देख लीजिए, अब पूरा आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। अब ये है, ये दोनों के दोस्तों दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट, इसमें बस आपको हीयर हुक्स दिखेंगे, बोट की ब्रांडिंग दिखेगी, और इसमें आपको डीजो वाले में यहाँ कुछ ब्रांडिंग नहीं है, और मैग्नेटिक वाला ये भी है, ये दोनों दोस्तों एक ही तरीके के हैं। और अब मैं आपको दोस्तों इसका और रिव्यू बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा घुमा के बात नहीं करता हूँ, मैं आपको सीधे बताता हूँ किसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी बोट का है, उसमें आपको देखेंगे प्लास्टिक मटेरियल दोनों में ही यूज हुआ है, जो बैटरी वाला सेक्शन है दोनों में प्लास्टिक मटेरियल यूज हुआ है। और इसमें जो दोस्तों जो डीजो वायरलेस है उसका जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा कम अच्छा है, बहुत लाइट वेट सा है, आपको मजा नहीं आएगा यूज करने में। मैंने भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो उतना ज्यादा दोस्तों मजा नहीं आता अगर बोट के कंपेयर करें आप। वैसे दोस्तों नेकबैंड में उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड क्वालिटी भी ठीक है, पर बोट के कंपैरिजन अगर आप करेंगे, बोट नियो जो अभी आया है जो कि 100 रुपये आपको कम प्राइस में मिल रहा है अभी 999 में, तो उसके कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बढ़िया आवाज है बोट नियो की। 12 mm के ड्राइवर्स बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी साउंड बहुत अच्छी है, और उसमें दोस्तों जो उसका लुक है डिजाइन है वो भी वो बोट का ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आप खुद ही देखा होगा आपने तो। दोस्तों इसीलिए मैं वैल्यू फॉर मनी अगर डील कहूंगा तो मैं बोट के 255 नियो को ही कहूंगा। डीजो वायरलेस है, जो वायरलेस पावर भी आया है उसमें भी दोस्तों बहुत ज्यादा एडिशन नहीं है, ज्यादा प्राइस में दोस्तों ऐसी चीज क्यों लेना जिसका लुक एंड फील भी उतना अच्छा ना हो, और उससे कम प्राइस में आपको ऐसी चीज मिल रही है जिसमें साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, डिजाइन भी अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बोट की ओर जाएं, बोट 255 नहीं हो, क्योंकि 1000 के अंदर आपको अगर ये मिल रहा है तो बहुत बढ़िया डील है। तो दोस्तों आपको कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इन दोनों के बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर से जाके चेक करिएगा, आपको कोई क्वेरी हो जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।